अंडर 20,000 अगर आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है तो वहाँ पर आईक्यू Z9 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये मेरे पास आ गया है बेस वेरिएंट में। आज की वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन का BGMI टेस्ट करने वाला हूँ। हम देखते हैं ओवरऑल ये स्मार्टफोन हमें कितने आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है और ड्यूरिंग द गेम क्या ये स्मार्टफोन ओवरहीट होता है या फिर नहीं। वैसे मैं इसमें बता दूं आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं ये स्मार्टफोन हमें कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है गेमिंग के टाइम पर। स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को मैक्सिमम पर सेट कर दूंगा नेटवर्क के लिए, जो 5G सिम का यूज़ करूंगा। स्मार्टफोन हमारा 100% चार्ज है और स्मार्टफोन का सिस्टम भी हमारा बिल्कुल अप टू डेट है। एक अपडेट आया हुआ था वो मैंने अपडेट कर लिया है। स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को भी स्मार्ट स्विच से हटा के हाई पर सेट कर दूंगा और यहाँ पर हमें एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन मिलता है हाई रिफ्रेश रेट को अप्लाई करने का। तो यहाँ पर BGMI पर मैंने अप्लाई कर दी। इससे BGMI के FPS तो इनक्रीज़ नहीं होंगे लेकिन हमें थोड़ी सी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम HDR पर अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, HD पर अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, बैलेंस्ड पर भी अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्मूथ पर हमें एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर ही मैं गेमिंग करने वाला हूँ। इट मीन्स हम मैक्सिमम 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। तो अपने गेम को स्टार्ट करते हैं और टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर है 35.4 डिग्री। टेबल टेम्परेचर की बात करें तो टेबल का टेम्परेचर है 31.5 डिग्री। तो रेगुलर टेम्परेचर भी मॉनिटर करते रहेंगे। स्मार्टफोन का टेम्परेचर आ गया है 41.6 डिग्री पर, एक घंटा कंप्लीट हो गया है। बैटरी आ गई हमारी 88% पर। तो एक घंटे में हमें सिर्फ 12% का बैटरी में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। टेम्परेचर अभी भी आप देख सकते हैं नियरली 41 डिग्री के आसपास ही है। दो घंटे कंप्लीट हो गए हैं, बैटरी आ गई हमारी 71% पर। स्मार्टफोन का टेम्परेचर आप देख सकते हैं इक्वली है 41 डिग्री के पास। 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, बैटरी आ गई हमारी 54% पर। तो टेम्परेचर पर मुझे कोई इंक्रीज़ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, 41 डिग्री पर जाकर रुक चुका है। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मे बी इसलिए टेम्परेचर 41 डिग्री पर है, नहीं तो 43-44 तक भी जा सकता था। अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं 40 से भी नीचे आ गया है। 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं गेमिंग करते हुए, बैटरी आ गई हमारी 36% पर। अभी भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 डिग्री के नीचे ही है। 5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, बैटरी आ गई 20%। 5 घंटे के बाद भी आप देख सकते हैं बैटरी 20% रिमेनिंग है। 5000 mAh बैटरी के हिसाब से यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल रहा है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन का टेम्परेचर अभी आप देख सकते हैं 39 डिग्री के आसपास है। 6 घंटे कम्प्लीट हो गए हैं और बैटरी आ गई हमारी 4% पर। तो देखते हैं पूरा डाउन कितनी देर में होता है हमारा स्मार्टफोन। यहाँ पर मैं मर गया था लेकिन उसके बाद मैंने नया गेम स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मेरी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट मैच नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर मैं स्पेक्टेट मोड में मैंने इसको रख दिया था फ़ोन को। और 6 घंटे 12 मिनट पर जाकर हमारा स्मार्टफोन शट डाउन हो गया है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्मार्टफोन हमें 5000 mAh बैटरी के साथ 6 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा गेमिंग के टाइम पर। और ओवरऑल स्मार्टफोन हीट भी नहीं हुआ था। वैसे 2-3 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि ये स्मार्टफोन गेमिंग के टाइम पर ओवरहीट होगा। बाकी अगर मैं अपने परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो मुझे परफॉर्मेंस मिली है वो मतलब प्राइस के हिसाब से बेस्ट लेवल से थोड़ी सी कम थी। मुझे बहुत ही रेयरली फ्रेम्स में ड्रॉप देखने के लिए मिले हैं। बाकी ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। और अगर आपको फ्रेम रेट्स के साथ गेमिंग की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी आपको
वीडियो चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। बाकी इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।